आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका ओवरव्यू ऑफ ESXi पार्ट टू। बात करते हैं VMware ESXi के बारे में। अवेलेबल फॉर परचेस विथ vSphere 5 और फ्री वर्जन कैन बी डाउनलोडेड। मतलब कि जब आप vSphere 5 परचेस करेंगे तब उसके साथ भी आपको क्या मिलेगा, ESXi मिलेगा। और साथ ही अगर आप फ्री वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं ESXi का तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्मॉल डिस्क फुटप्रिंट फुटप्रिंट जो इस ESXi जो है वो डिस्क हार्ड डिस्क के अंदर बहुत ही क्या करता है, बहुत ही कम जगह क्या करता है, कंज्यूम करता है। कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क, सेन, लर्नस, USB डिवाइस, SD कार्ड और डायरेक्टली इनटू मेमोरी। मतलब कि आप ESXi को किसके अंदर, आपकी हार्ड डिस्क में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सैन लन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, USB डिवाइसेस और SD कार्ड इन सब पे क्या कर सकते हैं, आप आपके ESXi को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ESXi 2 के दो वर्जन आते हैं। ठीक है, एक आता है ESXi इंस्टॉलेबल और दूसरा जो आता है ESXi एम्बेडेड। इंस्टॉलेबल ESX इंस्टॉलेबल जो कि आप परचेस करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से फ्री वर्जन, वो जो होता है वो होता है आपका ESXi इंस्टॉलेबल। ठीक है, दूसरा जो वर्जन है वो आपका एम्बेडेड। वो जब भी आप कोई हार्डवेयर खरीदते हैं ESXi के लिए, ठीक है, तो जो आपका वेंडर है जिससे आपने हार्डवेयर परचेस किया है वही क्या करता है, आपको ESXi प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, वो जनरली काई के अंदर क्या, USB डिवाइस के अंदर, USB कार्ड के अंदर आएगा या फिर SD कार्ड के अंदर आएगा। ठीक है, इसके ठीक है, तो उस वो जो होता है आपका वो होता है ESXi एम्बेडेड। ठीक है, अब हम ESXi आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रेडी है आपका, क्या चल रहा है, ESXi सर्वर चल रहे हैं, वी सेंटर सर्वर चल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, वो है आपका vSphere क्लाइंट या फिर vSphere वेब क्लाइंट। ठीक है, मतलब कि आप vSphere क्लाइंट से किसको, कि तो वी सेंटर को कनेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर vSphere क्लाइंट से डायरेक्टली किसको मैनेज कर लें, आप ESXi होस्ट को मैनेज कर लें। ठीक है, इसके अलावा कई सारे लोगों की आदत होती है कि वो किसके अंदर कमांड लाइन से मैनेज करना पसंद करते हैं। ठीक है, कमांड लाइन से काम करने की आदत होती है। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो किसका यूज कर सकते हैं, vSphere API/SDK, इसको जो बोला जाता है आपका VMA भी बोला जाता है, vSphere मैनेजमेंट असिस्टेंट। ठीक है, एक और जो आता है वो आता है vCLI। ठीक है, और एक और जो यूज किया जा सकता है पावर CLI का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला जो टूल है वो कौन सा आपका VMA। ठीक है, ये क्या है, एक VMware वालों ने क्या करी, एक बनी बनाई मशीन दे दी, अप्लायंसेज है उसको डाउनलोड करो, आपकी मशीन पे डाल लो। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, वहां से आप किसको कनेक्ट कर लीजिए, आपके ESXi उसको कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। ठीक है, अगला जो टूल है वो है आपका vCLI, vSphere कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, इसको आप किसके अंदर, आपके विंडोज या लिनक्स की मशीन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या, वो क्या होगी कमांड के अंदर क्या है, ये प्लगइन से तो उसके अंदर क्या हो जाएगी जो ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे, आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके क्या कर पाएंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए आपके, वहां पे आपके वहां से आप आपके ESXi को कनेक्ट कर लीजिए होस्ट को। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं उसको कमांड लाइन से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आता है आपका vSphere पावर CLI, पावर CLI क्या है, एक प्लगइन से उसको क्या कर लीजिए आपके, वो क्या होगा आपके आपके जो पावर शेल है, आपका जो पावर CLI जो है विंडोज का, उसके साथ क्या हो जाएगा, इनबिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप क्या कर पाएंगे, फिर आपके ESXi को मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि कई सारे लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट बना के रखते हैं जिससे कि वो क्या करते हैं, मशीन ऑफ करने का काम, ऑन करने का काम, बैकअप लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की स्क्रिप्ट कहाँ पे रन होगी, आपकी पावर CLI के ऊपर रन होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और जो टूल है वो आता है CIM, कॉमन इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। ठीक है, इसका यूज आप आपके ESXi होस्ट के
रिसोर्स होस्ट की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप हार्डवेयर मैनेजमेंट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और जो चीज होती है वो होती है VMM। हर वर्चुअल मशीन के करस्पॉन्डिंग क्या चलती है, एक VMM सर्विस चलती है। वर्चुअल इसका फुल फॉर्म है आपका वर्चुअल मशीन मैनेजर, ठीक है, जो कि क्या करती है, वर्चुअल मशीन को मैनेज करने का काम और कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। एक और बात, अगर इमेजिन कीजिए कि अगर आपके ESXi होस्ट में 50 ESXi वर्चुअल मशीन है, ठीक है, तो आपके ESXi के अंदर 50 VMM सर्विसेस क्या होगी, रन होगी, ठीक है। आप F2 से क्या कर सकते हैं, हमने देखा था DCUI के थ्रू, ठीक है, BIOS के जैसा इंटरफेस मिलता है, आप क्या कर सकते हैं F2 के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, लॉकडाउन मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। आप नेटवर्क का सेटअप कर सकते हैं, आपका होस्ट नेम डाल सकते हैं, IP एड्रेस, DNS, IPSHA डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कीबोर्ड लेआउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सपोर्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका आपके लाइसेंस की दिख जाएगी और आपका कौन सा एडिशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। व्यू सिस्टम लॉक्स लॉक्स देख सकते हैं। इसके अलावा रीसेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपकी सारी सेटिंग को रीसेट करने के लिए। जैसे होता है कि नहीं होता है मोबाइल्स में फैक्ट्री डिफॉल्ट, ठीक है, उस जिससे क्या होता है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं ESXi एज एन NTP क्लाइंट। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी एक बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास कई सारे होस्ट हैं, कई सारे उनके ऊपर कई सारे वर्चुअल मशीनें क्या हो रही है, रन हो रही है, ठीक है। तो सभी वर्चुअल मशीन और होस्ट का जो टाइम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगी, अगर आपके इन सभी का वर्चुअल मशीनें और होस्ट के टाइम सेम नहीं है तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे कि आपने क्या कर रखा है, कोई पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर रखी है टाइम रिस्ट्रिक्शन की, ठीक है, तो वो क्या होगी, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। या फिर आपने कोई आप जो लॉग है लॉग आपको लॉग्स पढ़ने में क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। लॉग्स में क्या होगा, टाइम प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपके जो टाइम होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए आप ESX का जो टाइम सिंक्रोनाइज करवाने के लिए, ESXi होस्ट और उसकी वर्चुअल मशीन को टाइम सिंक्रोनाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, NTP सर्वर का यूज कर सकते हैं। ESXi एज एन NTP क्लाइंट। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल यूज टू सिंक्रोनाइज अ कंप्यूटर क्लॉक टू अ टाइम रेफरेंस, ठीक है। मतलब कि इसके थ्रू क्या कर पाएंगे आप, आपके टाइम को क्या कर पाएंगे, सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। NTP इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्यूरेट परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है। अब आपके सिस्टम का आप क्या चाहते हैं, एक्यूरेट परफॉर्मेंस ग्राफ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या है, टाइम जो होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। फॉर एक्यूरेट टाइम स्टाम्प इन लॉग मैसेजेस, आपके लॉग मैसेजेस के अंदर भी क्या होना चाहिए, टाइम जो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस वक्त के इस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो दैट द वर्चुअल मशीन हैव अ सोर्स टू सिंक्रोनाइज विथ, तो इस वजह से क्या कर पाएगी आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो क्या कर पाएगी, इस NTP सर्वर से क्या कर पाएगी, अपने टाइम को सिंक्रोनाइज कर पाएगी, ठीक है। एन ESXi होस्ट कैन बी कॉन्फिगर एज एन NTP क्लाइंट, ठीक है। ESXi जो होस्ट है वो क्या हो सकता है, आपके NTP का क्लाइंट हो सकता है। इट कैन सिंक्रोनाइज टाइम विथ NTP सर्वर ऑन द इंटरनेट और योर कॉर्पोरेट NTP सर्वर, मतलब कि जो आपका ESXi होस्ट है वो इंटरनेट पे के NTP सर्वर से भी टाइम सिंक्रोनाइज कर सकता है, और आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में कॉर्पोरेट में कोई NTP सर्वर चल रहा है तो उससे भी क्या कर सकता है, टाइम सिंक्रोनाइज कर सकता है। नेटवर्क सेटिंग एंड DNS, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, vSphere से जब आप ESXi होस्ट को जब कनेक्ट करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर DNS एंड राउटिंग, वहां से भी क्या कर सकते हैं, आपके होस्ट नेम डोमेन IP DNS सर्वर एड्रेस एंड, ठीक है, और डिफॉल्ट गेटवे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी क्या कर पाएंगे, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो और ठीक है, तो अभी जो हमने किया था, हमने क्या किया था, केवल एक ही ESXi सर्वर का क्या किया था, इंस्टॉलेशन किया था,
ठीक है। इसी प्रकार से क्या करूंगा, मैं अपने दूसरे ESXi सर्वर का भी क्या कर लूंगा, इंस्टॉलेशन कर लूंगा, जिसका नाम होगा ESXiB और उसका IP एड्रेस होगा 192.168.168.254.169, ठीक है। इस बाकी सारी सेटिंग क्या रहेगी, सेम की सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, कर लूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।